नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, आज फिर पचपदरा की बात करते हैं, राजस्थान की पचपदरा की भूमि। पिछले दो वीडियो और आज इस श्रृंखला में एक और वीडियो आपके पास जा रहा है। पचपदरा की धरती पर हजार बेटियां एक साथ 12 जनवरी को एक हुजूम के साथ आएगी बाबुल के अंगने में। हमने दो दिन पहले बंबई से पचपदरा की बेटियों से बात आप तक पहुंचाई थी। आज बारी है इचल करंजी से, और इचल करंजी से चार नाम हमारे साथ हैं। पहला नाम है भावना जी का, जो कि सूत्र धार में से एक है। बंबई से ममता और इचल करंजी से भावना, इन दो बहनों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और उसके बाद कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली गई और कार्यक्रम की विशाल रूपरेखा बनकर के सामने आ गई। तो भावना जी, आपका स्वागत। भावना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हैं भावना जी, और भावना जी के साथ जुड़ रही हैं ममता जी। ममता जी, जय जय जिनेंद्र। ममता जी, भावना जी, ममता जी के बाद बारी आती है मीना जी की। मीना जी, जय जिनेंद्र। मीना जी के बाद बारी आती है शर्मिला जी की। ये चारों ही महिलाएं विशुद्ध रूप से घर संभालने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाती है, लेकिन घर संभालने के साथ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इनकी बड़ी भूमिका, बड़ी हिस्सेदारी इचल करंजी में रहती है। तो डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस चैनल में भावना, ममता, शर्मिला, मीना, सबका तहे दिल से स्वागत। तो चलिए चलते हैं एहसासों के इस दौर में। इचल करंजी की ये महिलाएं, पचपदरा की बेटियां 12 जनवरी के दिन का कितनी बेकरारी के साथ इंतजार कर रही है। सबसे पहले चलते हैं भावना जी के पास, क्योंकि इस आयोजन की सूत्रधार में एक बड़ा नाम उनका। भावना जी, हाँ जी, स्वागत। और सबसे पहले आपसे सवाल यही बनता है कि जब आपकी बहन ममता जी ने आपसे इस तरह के आयोजन की बात की, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? भावना जी, जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रतिक्रिया यही थी कि अपने बेटे को जोड़ना है, गांव में सबको इकट्ठा करना है, कैसे बेटियां आती है, जुड़ती है अपने से। तो हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप से एक एक बेटियां जुड़ती गई, जुड़ते जुड़ते आज हजारों बेटियों का सम्मेलन, बेटियों का सम्मेलन आज महाकुंभ में बदल गया। हमने सोचा भी नहीं था कि ये महाकुंभ में बदल जाएगा। हमने ये दिमाग लगाया था कि भाई 300-400 बेटियां आएगी, लेकिन ये धीरे 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 करके 700-800 आज 1000 तक बेटियां पहुंच गई। ममता जी ने सम्मेलन महाकुंभ में बदल गया। ममता जी ने आपको जब इस आयोजन की रूपरेखा बताई थी, तब क्या आपको उम्मीद थी कि आप सफल हो जाएंगे, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में असमंजस की स्थिति थी? मन में थोड़ा तो था, मन में थोड़ा ये विचार तो आया ही था कि भाई हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा साथ कौन देगा नहीं देगा, ये सोचा तो था, थोड़ा बहुत विचार भी आया। लेकिन जैसे हमने गांव वालों से बात की, अपने भाइयों से बात की, तो सबने हमको यही बोला, आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे मन में एक मतलब हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई, मतलब कि अच्छे से कि भाई हाँ, ये प्रोग्राम अच्छे से होगा, क्योंकि हमारे गांव वाले और हमारा भाई हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये हिम्मत और ज्यादा अच्छी हो गई हमारे। कुल मिलाकर सबसे पहला सपोर्ट तो पचपदरा की आपकी बहनों ने आपको दिया, जैसे ही आपने बहनों ने दिया कि हाँ हाँ, जैसे ही आपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, बहनों ने हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी, बहनों ने एंट्री शुरू कर दी, जिससे आपका हौसला बढ़ा, आपका उत्साह, उमंग और ज्यादा तेज होता गया। और उसके बाद पचपदरा के आपके भाइयों ने, पचपदरा के नागरिकों ने आपके आत्मविश्वास को, आपके सहयोग को दुगुना, तिगुना, चौगुना करते चले गए। हाँ,
और बहनों ने भी हम पे विश्वास किया तभी ये बेटियों का इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, नहीं तो हमको तो आशा भी नहीं थी कोई हम पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक से एक बेटियां हमसे जुड़ती गई, सब बहने हमारा साथ दे रही है। बहुत बड़ी बात है कि आपने एक योजना आप तक आई, आपने उस योजना पर काम करना शुरू किया, मन में कश्मकश थी लेकिन आपकी बहनों ने आपका पूरा साथ दिया और वहीं से फिर एक बड़ी रूपरेखा बनती चली गई। तो हमारे साथ है ममता जी। ममता जी जी, ममता जी आपके पास सूचना कैसे आई? भावना जी ने फोन करके कहा या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ी? नहीं, सबसे पहले तो बोल दूं कि ममता है ना जो भावना की बहन, वो मेरी क्लासमेट थी, तो उसने जैसे ही लिंक भेजा ना तो मैंने फर्स्ट ग्रुप में ही खुद को ऐड कर लिया और मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पचपदरा की बेटी होने के साथ साथ मैं पचपदरा की बहू भी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल मैंने पचपदरा में ही गुजरे हैं, तो मेरे को पचपदरा से बहुत लगाव है। क्या बात है। हाँ, तब तो मैं जुड़ गई और भावना जी है वो जी पचपदरा की हर गली आपकी जानी पहचानी है तब। हाँ, हर गली, हर रास्ता, सब कुछ, हॉस्पिटल बोलो तो कुछ भी बोलो तो पचपदरा का, आज भी जाते हैं ना तो पचपदरा की हर एक बात मेरे को याद आती है। वहाँ पे पूरा 25 साल निकाल दिए उधर, तो मेरे को पचपदरा की हर गली याद आती है, हर घर याद आता है, उधर का माहौल याद आता है, सब कुछ मेरे को पचपदरा का एक एक पल मेरे को अभी तक याद है। क्या बात है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐसे ये ग्रुप बना, तो मैंने कहा मैं जाऊंगी और वैसे भी हर साल मैं 2-3 बार पचपदरा जाती ही रहती हूँ, तो मेरे को पचपदरा से विशेष लगा है। जी 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 जी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। ये एक ग्रुप बना मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये प्रोग्राम भी होगा वो बहुत अच्छे से होगा, मेरे को बहुत खुशी है। बड़ी अच्छी बात है, मातृभूमि याद रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गांव से शहरीकरण जब होता है तो लोग गांव को भूलते जाते हैं, शहर ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन आपने जिस अंदाज में अपनी बात हाँ, कही है उससे ऐसा लगता है हाँ, कि गांव कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, मेरे को पचपदरा से विशेष लगाव है जी, क्योंकि मैं उधर ही रही हूँ ना, मेरा बचपन पूरा उधर ही गुजरा, शादी भी उधर ही हुई जी, तो वहाँ का माहौल ही कुछ अलग है, वहाँ की फ्रेंड सब अलग है, सब माहौल अलग है जी, तो मेरे को पचपदरा से विशेष लगाव है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को पचपदरा। आज भी कोई बोले रह जाओ महीना भर तो मैं रह सकती हूँ। क्या बात है। हाँ, रह सकती हूँ, बिंदास होके रह सकती हूँ, रहने का दिल करता है। हाँ, वहाँ पे रहने का बहुत मन करता है। मीना जी, आपके मन में क्या चल रहा है? जी देखिए सनम जी, मैं तो आपको अगर बताऊं तो मुझे शायद काफी टाइम हो गया पचपदरा गए हुए, 4-5 साल, क्योंकि अब वहाँ पे जो हमारे घर है काफी बंद हो चुके हैं, मेरा भी जो पीरियड था वो बंद हो गया, तो एक हल्की हल्की जो यादें है वो वहाँ पे हम जब वैकेशन में जाते थे तो हल्का हल्का जो मुझे याद है कि हम वहाँ पे मतलब बहुत सारे कजिन्स इकट्ठा होके उन गलियों में मस्ती क्या करते थे, तो मेरे लिए तो कितने टाइम से मेरा बस यही था कि मैं पचपदरा पता नहीं कब जाऊंगी, क्योंकि आजकल जब भी हम शादियों में जाते हैं तो नाकोड़ा के जो रिसोर्ट्स बने हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से ही लौट आते हैं। क्या बात है, आपने बहुत कड़वा सच कहा और बड़ी ईमानदारी के साथ कहा, मुझे ऐसा लगता है और बड़ी ईमानदारी से है आजकल। जी 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 जी, ये हकीकत ही है कि आजकल पचपदरा लोग शादियां कोई करता ही नहीं, आजकल बालों का जसोर के बीच में इतने रिसोर्ट बन गए हैं कि आजकल लोग वहीं से जाते हैं, वहीं उत्तर फिर वहीं से वापस रवाना हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने गाँव में जाने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। मैंने आपकी आवाज में एक दर्द महसूस किया जब आपने ये बात कही कि अब तो बहुत सारे घर बंद है, हमारा भी घर बंद है। ये एक जो बात आपने कही उसमें आपका दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा था। मैं आपसे एक सवाल करूं कि जो बीती हुई स्मृतियां हैं, अब आप जाएंगी तो वो गलियां आप पहचान जाएंगी या बैल मारोगे? कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि मुझे काफी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं मेरे गांव जाऊं, फिर से वो गलियां देखूं, घूमूं। जी जी जी, लेकिन जब मैंने ये सुना कि पचपदरा की बेटियां व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं बनाए बल्कि
सम्मेलन होने जा रहा है, तो सच बताऊं जो अंदर से जो खुशी हुई कि यार मैं पचपदरा तो जाना चाहती थी लेकिन साथ ही उन सबको मिलूंगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेरे बुआ के भी परिवार है, हमारे कजिन्स है जो काफी टाइम से हम मिले नहीं है, शादियों में भी सबसे मिलना नहीं होता है, कुछ जो बचपन में हमारी सहेलियां रह चुकी है उनसे बरसों हो गए उन्हें देखे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें सारी बेटियां आ रही है, तो अंदर से जो खुशी है वो समाई नहीं जा रही है। मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है ये 3 दिन आपके लिए कम पड़ेंगे क्योंकि इतने लोग मिलने वाले रहेंगे, किस किस से मिलेंगे, किसको छोड़ेंगे, ये दरअसल कसमकश की बात रहेगी। लेकिन फिर भी एक शुरुआत बहुत शानदार हुई है, सबको देखेंगे, सबसे मिलेंगे, और जो लोग काफी अरसे से नहीं जा पाए हैं वो लोग जाएंगे, उनकी खुशी सबसे अधिक है, उनके मन की हलचल भी सबसे अधिक है। शर्मिला जी, हाँ जी, आपकी मनोस्थिति क्या है? मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि बचपन जाने का जो खुशी हो रही है, क्योंकि हम रहते थे पाली और 6 साल की थी तब तक मैं बचपन थी, उसके बाद हम पाली थे, लेकिन हर वेकेशन हर ओकेजन पे जाते थे और वहाँ का जो फील है वहाँ पे जाते ही ऐसे फील होता है कितना फ्रेश, कितनी आजादी, सुबह मोरों का आवाजों से उठाना, गलते खेलना सबके साथ, वो आइसक्रीम वाले की आवाज आनी, घंटी बजनी, क्या बात है, क्या बात है, वो सब चीजें याद आ रही है। हाँ, वो अरोड़ा का मावा, मतलब बचपन का बोले तो वेकेशन हॉलीडे पॉइंट। आपने तो अरोड़ा जी का विज्ञापन बना दिया एक तरह से उनकी ब्रांडिंग कर दी हमारे गांव में रनसोड़ा की आइसक्रीम जी, और ये मावा जो इन्होंने बोला है ये सब फेमस थे, तो लोग उनका नाम भी नहीं भूलते, अरोड़ा का मावा और रनसोड़ा की आइसक्रीम। अब भाई ये आइसक्रीम वाले और मावे वाले जो भी हैं वो हमें फिर हमारी मैगजीन के लिए एड दे दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल से आपका नाम जा रहा है। पक्का पक्का। जी जी जी। जो बचपन का जो एहसास है, जो टेस्ट है ना, वो लाइफ लॉन्ग कहीं और मिलता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सब भाई बहनों के साथ जाना, सबके साथ खाना, सबके साथ खेलना, सब एकदम मेंटली फ्रेश रहना, और फ्रेंड्स जी, बहुत सारे फ्रेंड्स बनना, सब रिलेशन वाले रिलेटिव, घर से निकलो किसी को मिलने के लिए तो इतने लोग मिलते थे, जिनके यहाँ जाना था उनके यहाँ बहुत वक्त लग जाता था। क्या बात है। तो तब तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 3-4 दिन भी आपके लिए बहुत कम पड़ेंगे, सारी रात और सारा दिन जगते रहिएगा, लोगों से मिलते रहिएगा, क्योंकि वापस आते वक्त कहीं मन में ये कसक न रह जाए कि उसको देखा था, बस देखा ही था, मैंने सोचा था उससे मिलूंगी लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई, पहले इतने लोग थे उनसे ही मिलने में समय लग गया। तो थोड़ा ख्याल रखिएगा और फिर आने का जल्दी प्रोग्राम बनाइएगा। हमने जैसे बना सब जगह से वीडियोस आने लगे, जैसे जैसे हम सब पहचान रहे थे तो ऐसे लग रहे थे कितने सालों बाद देख रहे, उन सबको देख के सब पुरानी बातें याद आ रही थी, इतना फ्रेश लग रहा था सब कुछ, जो जो समय हम उनके साथ जो स्पेंड किया है वो ही वापस विजुअल होने लगा। क्या बात है, वो सारी स्मृतियां याद आती है बचपन की, और बचपन तो कभी न भुलाया जाने वाला एक ऐसा ऐसी उम्र होती है, और उसमें आपने बचपन से किशोर अवस्था शादी वाली अवस्था में जहां अपने सपने देखे थे अपने हम सफर के भी, तो कहीं ना कहीं वो स्मृतियां भी याद आ रही होगी। तो क्या आप अपने पतिदेव को भी साथ ले जा रही हैं चारों? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बड़े स्ट्रॉन्गली बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं जी। सनम जी, ये बेटियों का सम्मेलन है जी, वो बेटियां जो कितने सालों बाद शायद अपने गांव जा रहे हैं, अपने
सब सहेलियों से मिल रहे हैं, अपने उस गांव में जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया है, तो उन सब से मिलने में इतना समय हमारे लिए शायद कम है जी। उस बचपन में, बचपन लौट रहे हैं तो बचपन में तो हस्बैंड साथ में नहीं होते। क्या बात है, अच्छा जवाब दिया। मैं आपको बताती हूँ ये किसने जवाब दिया, शर्मिला जी ने जवाब दिया ना, शर्मिला जी ने जी, जी हाँ। बचपन में जब लौट रहे हैं तो पति का क्या काम है, क्या बात है। हाँ 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 मीना जी आप बोल रहे थे क्या। हाँ जी मैं आपको यही बता रही थी कि हम चारों का जो उत्साह है ये तो है ही है, लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है महाकुंभ में, वहाँ रोज अलग अलग गांव से जो बेटियों के वीडियो आ रहे हैं उसमें जो उनका उत्साह आप देखिएगा ना, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा जो सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये उन बेटियों की जो खुशी है जी वो एक तंत्र कहीं तो हो रही है। आप ये समझ लीजिए कि बेटियों की खुशियों का सम्मेलन है। हाँ जी, मतलब वो गांव से जो अलग अलग गांव से जो बेटियां अपना वीडियो बना के भेज रही है और जो शेयर कर रही है कि भी हम कितने एक्साइटेड है मिलने के लिए, गांव आने के लिए, सम्मेलन में हाजिर होने के लिए। अच्छा ये जो बेटियां वीडियो भेज रही है क्या ये भी अपने पति को नहीं ले जा रही, क्या आप लोगों ने मिलकर पहले से ये तय कर लिया था, एक नियम बना लिया था? कोई भी बेटी अपने पति को नहीं लेके आ रही, लेकिन मैं अपने पति को अपने साथ लेके जा रही हूँ। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उस गांव की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो वो अपने भाई बहन के नाते भाई भी जा रहे हैं और मेरे मतलब ससुराल से जवाई भी जा रहे हैं। अच्छा वो आप मतलब वो भी आपके पचपदरा के गांव के हैं, आप बेटी भी हो बहू भी हो, हाँ, तो कहीं आप आपको मजबूरी में ले जाना पड़ रहा है ऐसा तो नहीं? नहीं मजबूरी नहीं, उनकी गांव में उनकी बहनें आ रही तो भाई को तो जाना ही चाहिए। ये खुशी है जी, जी, ये जी, खुशी जी, है हाँ। जो भाई खुद चल रहा है, ये मजबूरी नहीं है, भाई खुद चला के जा रहा है, मेरे गांव में मेरी इतनी बहनें आ रही तो मुझे भी जाना चाहिए। बिल्कुल उनकी बहनें आ रही है इसलिए वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ये बिल्कुल सही है, इसलिए वो जा रहे हैं जी जी। फिर मेरे पति तो मेरे साथ ही चल रहे हैं। आपके पति आपके साथ चल रहे हैं तो ये हाँ जी। जैसा कि बाकी के आपकी दोस्तों ने कहा कि हमारे पास इतना फिर समय कहाँ रहता है, तो फिर आपके पास तो समय रहेगा ना? नहीं समय वो उनकी बहनों में बिजी रहेंगे ना, मैं मेरी फ्रेंडों में बिजी रहूंगी। जी जी चलिए आपने पहले से ये तय कर लिया है, एक सेटलमेंट हाँ। हो जाता है कि आप इधर बिजी रहेंगे मैं उधर बिजी रहूंगी, तो फिर बराबर आसानी रहती है जी। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आपकी खुशी के इस उत्सव में, अगर कोई खास बात, अगर आप में से कोई गीत गुनगुनाना चाहे, कोई कविता गुनगुनाना चाहे। जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी जी, मैं पहले तो सबसे पहले ममता जी और भावना जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने एक एहसास दिलाया कि जो गांव से जुड़े हुए नहीं है या कुछ हल्की हल्की यादें जो है हमारे मन में हमारे गांव को, एक तो हमें मौका दिया उस तक आने के लिए और ये एहसास दिलाया उनको गहरा कर दिया कि हम चाहे कितना भी दूर चले जाए पर अपनी मिट्टी अपने गांव को कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आपकी जो भावना है उसे बिल्कुल समझ रहा हूँ, एक व्यथा भी है कि आप इतने वर्षों तक जा नहीं पाए और एक दर्द भी है कि अब घर भी बहुत सारे बंद हो गए, लेकिन एक उत्साह है एक खुशी है, जाने की ललक है, मिलने की चाह है, और यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि गांव की मिट्टी भी खींचती है कि आ जाओ। जी 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 बोलिए। एक शायरी बोलना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल बोलिए। कविता के माध्यम से मैं बोल चार लाइनें बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए स्वागत। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। क्या बात है भाई, आपके इरादे जीत रहे हैं, आपके अरमान पूरे हो रहे हैं, एक विचार बना और एक विचार से क्रांति हुई और कुछ लोग जुड़े और जुड़ते जुड़ते कारवा बन गया, और अब तो ये है कि 12 तारीख के दिन का आप इंतजार कर रहे हैं,
जैसे जैसे एक 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 दिन गुजर रहा है, आपके पंख और बड़े होते जा रहे हैं, आपकी उड़ान बड़ी होती जा रही है, आपके मन का अरमान बड़ा होता जा रहा है। और जिस दिन आप पचपदरा की धरती पर एक साथ अपनी सारी बहनों के साथ जब अपने कदम रखेंगे, तो मुझे भी यकीन है कि पचपदरा की बाहें भी बहुत बड़ी हो जाएगी आप सबको अपने आगोश में लेने के लिए। निश्चित रूप से वो दिन बहुत यादगार होगा, क्योंकि 1000 बेटियों का समूह अपने गांव में आएगा, भूली बिसरी यादें फिर जवान हो जाएगी, फिर नजरें मिलेगी, फिर इशारे होंगे, फिर बातें होगी, फिर पुरानी यादें होंगी, फिर नई कहानी होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो दौर शुरू किया है आपने, इस मोड़ को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप मिल लिए फिर 10 साल बाद फिर याद आई बात या नहीं आई, फिर भूल गए, ऐसा मत कीजिएगा। एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि गांव में हमें जल्दी जल्दी आना है और इसी तरह के माहौल को बना करके आना है, जब सब साथ आ जाएं, और अगली बार जब आएं तो अपने पति देव को भी साथ में लाना है, बच्चों को भी साथ में लाना है। इस बार प्रोग्राम हम अपने पति देव के साथ का ही बनाएंगे। जी चलिए, अच्छी बात है। ये आपने एक अच्छा आश्वासन दिया है, आपके पतियों के लिए भी बड़ी सुकून वाली बात होगी। नहीं तो उन्हें भी लग रहा होगा कि एकदम अछूत की तरह हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल नहीं। सनम जी, यहाँ पे हमारा घर है उधर हमारे सनम जी, हमारा घर है। नहीं नहीं सनम जी, हमारे जो पति है वो हमें खुद आगे चल के बोल रहे कि जा सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी। क्या बात है, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहते होंगे आपको भेजकर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेचैनी से हमारा इंतजार करेंगे ताकि हम जो ये 3 दिन के लम्हे उनके साथ शेयर करें। ऐसा है कि वो तो शेयर की बात तो अलग होगी, अगर आपके पति से बात मैं कर लूंगा तो उनके मन की बात मुझ तक आ जाएगी, लेकिन वो अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो उनकी और हमारी बात होगी। बाकी मैं उनकी मन की बात समझता हूँ। अगर कोई पति अपनी पत्नी को कहता है कि ला जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तो वो बंदा अपनी जिंदगी भी कहीं ना कहीं जीना चाहता है। तो चलिए, हंसी खुशी के इस ठाकों के बीच में इचल करंजी से पंचपदरा की ये बेटियां 4 हमारे साथ जुड़ी, भावना सूत्रधार, भावना के साथ ममता जी, शर्मिला जी और मीना जी, चारों ने जिस अंदाज में अपनी बात कही, कहीं दर्द कहीं कसक, लेकिन उस सब के बीच में हंसी खुशी का माहौल। जो बहुत लंबे समय तक नहीं गए हैं उनको कुछ खोने का गम है, और अब जा रहे हैं तो बहुत कुछ पाने की इच्छा भी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये यात्रा अत्यंत सफल हो, मनोरंजन भी दे और जोड़ने का भी काम करे, और नए संकल्पों के साथ हो कि इस गांव की माटी में न सिर्फ आप आए, आप अपने पूरे परिवार के साथ आए, आने वाली नस्लें भी इस बात को समझ सके कि गांव की माटी में जादू कितना बड़ा होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। सलाम पचपदरा, और सलाम पचपदरा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार भावना जी, मिला जी, मीना जी, ममता जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।